हेलो एवरीवन मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं जिनके पैर में पूरा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है कि वो किस तरह की एक्सरसाइजेस खड़े होकर करें कि उनके पैर में जो मूवमेंट है वो आने लगे उनके पैर में स्ट्रेंथनिंग होने लगे एक पावर जनरेट होने लगे और वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को जैसे चलना बैठना वो रोज़ाना आसानी से कर पाएँ तो आज मैं उन्हीं एक्सरसाइज के बारे में आपसे बात करने वाला हूं आज मैं तीन ऐसी एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूं जो आप स्टैंडिंग में रह के घर पर आसानी से कर सकते हैं तो शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज से नंबर वन जो एक्सरसाइज है व्यूवर्स वो है स्टैंडिंग मार्च स्टैंडिंग मार्च में बेसिकली आपको करना यह है कि आपको या तो कोई चेयर लेने कि या तो आपको कोई चेयर ले लेना है जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग हो जो वॉल से टच होना चाहिए ताकि ये कुछ इस तरह से मूव ना करे अभी हमारे पास जो अवेलेबल चेयर है वो मूव कर रही है और वॉल से लगी हुई नहीं है तो आप कोशिश करें कि आपकी चेयर या आपकी टेबल जो है वो मूव ना करे वो वॉल से टच हुआ रखा हो ठीक है उसके बाद में जो आपकी नॉन अफेक्टेड साइड है आप उसको चेयर की साइड में कुछ इस तरह से रखेंगे और स्टैंडिंग मार्च इस तरह से शुरू करेंगे बेसिकली यहां इसको पकड़ने का मकसद यही है कि आप एक सपोर्ट ले सके तो सपोर्ट के साथ में जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके जो गिरने के चांसेस हैं गिरने का जो डर है वो कम बना रहेगा अब देखते हैं कि एक्सरसाइज बेसिकली हमको करना किस तरह है जैसे कि मैंने बोला स्टैंडिंग मार्च तो खड़े होकर वन टू हम देखते हैं जो स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं उनके पैर में मूवमेंट नहीं होता और बेसिकली उनका सबसे ज्यादा जो मूवमेंट अफेक्ट होता है कि वो अपने घुटने को पीछे की तरफ इस तरह से नहीं मोड़ पाते इसी तरह जब हम चलते हुए उनको देखते हैं तो वो सीधा अपना पैर उठा के इस तरह से रख देते हैं क्योंकि पैर में इस तरह से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो इसी चीज को मैं आपको एक्सरसाइज के जरिए बताने वाला हूं जो आपको घर पर रहकर करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसी तरह से आप दो से तीन सेट करेंगे और ब्रीदिंग आराम से करके दोबारा से इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे अगर आप घर पर ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो नी जॉइंट है बेसिकली वो आपका प्रॉपर्ली खुल जाएगा आपकी मांसपेशियों में स्ट्रेंथनिंग आएगी आपके ब्रेन को एक मैसेज कन्वे होगा कि आपकी मसल को एक्टिवेट करे और दोबारा से वो प्रोग्राम होगा कि आपके जो मूवमेंट है वो उसको प्रॉपरली करना शुरू कर दे दूसरी जो एक्सरसाइज है व्यूवर वो है हिप एक्सटेंशन हिप एक्सटेंशन एक्सरसाइज जैसे कि मैंने पहले कहा है कि आपको एक चेयर या आपको एक टेबल के ऊपर ये एक्सरसाइज करना है आपको कुछ इस तरह से चेयर की तरफ घूम जाना है या इधर भी हो सकता है उल्टी साइड में भी हो सकता है उसके बाद में आपको अपने हिप को एक एक्सटेंशन की पोजीशन में लेके जाना है एक एक्सटेंडिंग पोजिशन में लेके जाना है इसके लिए आपको कंफर्टेबली पहले सपोर्ट के साथ में चेयर को पकड़ लेना है ताकि आप गिर ना जाए ठीक है उसके बाद में जो है अपने हिप को एक्सटेंशन पोजीशन में लेके जाना है हिप को एक्सटेंशन पोजीशन में लेके जाने के लिए आपको अपना जो अफेक्टेड पैर है आपका जो लिंब है आपका जो पैर है जो स्ट्रोक की वजह से प्रभावित हुआ है उसको आपको उठाने की कोशिश करनी है देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको किस तरह से करनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसी तरह से दस तक आपको काउंट करने के बाद में इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरह से करना है आपके हिप को जो है पूरा एक्सटेंशन अपने हिप को जो है पूरा एक्सटेंशन पोजिशन में कुछ इस तरह से लेके जाना है चेयर को पकड़ने के साथ में ताकि आपके गिरने का कोई डर ना रहे अगर आप ये एक्सरसाइज घर पर करते हैं तो आपकी जो लेग की मसल्स हैं आपकी थाई की जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी उसमें एक स्ट्रेंथनिंग आएगी और आप आसानी से समय के साथ में अपनी जो मांसपेशियां हैं अपना जो पैर है उनको यूज कर पाएंगे अपनी डेली एक्टिविटीज में यह था आपका हिप एक्सटेंशन इस एक्सरसाइज को आप तीन बार घर पर कर सकते हैं दस से पंद्रह रिपीटेशन के साथ में अगर आप घर पे यह एक्सरसाइज करते हैं तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी रिकवरी फेज में स्ट्रोक और पैरालिसिस की वजह से जो आपका पैर चल नहीं पा रहा है जिसकी मांसपेशियां बहुत कमजोर हैं उसकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी और आप आसानी से अपने मूवमेंट कर पाएंगे तीसरी जो एक्सरसाइज है व्यूवर वो है हिप एबडक्शन हिप एबडक्शन एक्सरसाइज में आपको करना यह है कि अपना जो पाँव है उसको एक पोजीशन में एबडक्ट करना है यानी आपको उस पाँव को उठाना है जब आप अपने पाँव को कुछ इस तरह से उठाएंगे तो जो भी आपकी लेग की मसल्स हैं जो इस तरह के मूवमेंट में उसको हेल्प करती हैं वो एक्टिवेट होंगी उनमें एक स्ट्रेंथनिंग आएगी और फिर आपका जो पैर है वो प्रॉपरली वॉकिंग में आपकी रनिंग में या आपके चलना बैठना उठना में सभी तरह से प्रॉपरली काम कर पाएगा बेसिकली मकसद इन एक्सरसाइज को करने का यही है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए उनमें जो वीकनेस है वो चली जाए उनमें एक स्ट्रेंथनिंग आ जाए और स्ट्रेचिंग की वजह से एक मैसेज कन्वे हो आपके ब्रेन के लिए कि हाँ दोबारा से मुझे इस मूवमेंट को जो है वो रीलर्न करना है सीखना है तो ये जरूरी है कि आप ये तीसरी एक्सरसाइज जो मैं कह रहा हूं हिप एब्डक्शन ये आप अगर घर पर करते हैं तो बहुत इस बात के चांसेस हैं कि आप आसानी से रिकवरी फेज में अपनी जो लेग है उसमें स्ट्रेंथनिंग ले आइएगा चेयर को सपोर्ट के साथ में कुछ इस तरह से पकड़े रहना है ताकि ये डरना बना रहे कि आप गिर जाएंगे उसके बाद में अपने हिप को जो है वो एबडक्शन पोजिशन में लेके जाना है जो भी आपका अफेक्टेड लिंब है आपका अफेक्टेड पैर है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव एट नाइन टेन इस पोजीशन के साथ में अगर आप इससे ज्यादा भी कर पाते हैं तो कोशिश करिए कि अपने हिप को या अपने पैर को इससे ऊपर भी उठाएं, इससे ज्यादा एंगल पर भी उठाने की कोशिश करें ताकि आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव पैदा हो एक स्ट्रेचिंग पैदा हो और आपका ब्रेन जो है इन मूवमेंट्स को लर्न करें दो से तीन सेट जो है आप इस एक्सरसाइज के घर पर आसानी से कर सकते हैं और जो भी मैंने आपको पिछली और एक जो एक्सरसाइज बताई है और ये वाली एक्सरसाइज कोशिश करें कि आप दोनों पैर की ये एक्सरसाइज करें अगर आप दोनों पैर की करते हैं तो आप देखेंगे जब आप एक पैर पर खड़े होते हैं तो आपका वेट जो है वो आपके अफेक्टेड लिम के ऊपर जाएगा अगर आप दूसरी साइड से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा साइन है कि जब अपना वेट आप अपने प्रभावित पैर के ऊपर देंगे तो आपके पैरों की जो है वो स्ट्रेंथनिंग होगी जो तीसरी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हिप एबडक्शन ये आप 10 से 15 बार कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज के दो से तीन सेट कर सकते हैं अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मांसपेशियां जो हैं वो बहुत तेजी से आपकी रिकवरी फेज में मजबूत होंगी और आप अपनी डेली एक्टिविटीज को बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे डॉक्टर से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं धन्यवाद